हिंदू चंद्र कैलेंडर में एक पवित्र महीना है श्रावण, जिसे सावन के नाम से भी जाना जाता है, जो आमतौर पर जुलाई और अगस्त के बीच आता है। इसे अत्यधिक शुभ माना जाता है और यह हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक भगवान शिव को समर्पित है। श्रावण माह से जुड़े महत्व और अनुष्ठान परंपरा पौराणिक कथाओं और अनुष्ठानों से भरपूर है। यहाँ इस पवित्र महीने की कहानी और रीति रिवाजों पर एक विस्तृत नजर डाली गई है। समुद्र मंथन। श्रावण से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक समुद्र मंथन है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और राक्षसों ने अमरता प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। इस मंथन के दौरान विष का एक घड़ा निकला, जो इतना जहरीला था कि यह ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने विष को पी लिया और उसे अपने गले में रख लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया। यही कारण है कि शिव को अक्सर नीले गले के साथ दर्शाया जाता है। श्रावण का महीना भगवान शिव के बलिदान का सम्मान करने के लिए समर्पित है। राजा दक्ष की कथा। ब्रह्मा के पुत्र और सृष्टि के रचनाकारों में से एक थे दक्ष। एक शक्तिशाली और प्रभावशाली देवता थे, लेकिन उनकी एक खास समस्या थी। वे भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। दक्ष को शिव के आचार विचार और जीवन शैली में कोई रुचि नहीं थी। वे उन्हें एक अशुद्ध और असामान्य देवता मानते थे। सती और शिव की शादी। सती, दक्ष की पुत्री, ने भगवान शिव से प्रेम किया और उनसे विवाह किया। दक्ष ने इस विवाह को लेकर नकारात्मक दृष्टिकोण रखा, क्योंकि वे शिव को असामान्य मानते थे। सती और शिव के विवाह के बावजूद दक्ष ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और उनका संबंध बिगड़ गया। दक्ष का यज्ञ। एक दिन दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, सिवाय शिव के। यह यज्ञ भव्य और ऐतिहासिक था और दक्ष ने इसमें शिव को शामिल नहीं किया, जो सती के लिए अत्यंत दुखदायक था। सती ने अपने पिता के यज्ञ में भाग लेने का निर्णय लिया, हालांकि शिव ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी। यज्ञ में सती की मौत। जब सती यज्ञ में पहुंची तो उन्हें अपने पिता दक्ष और अन्य देवताओं द्वारा अपमानित किया गया। दक्ष ने शिव का मजाक उड़ाया और सती को नीचा दिखाया। सती इस अपमान को सहन नहीं कर पाई और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। उनका यह बलिदान एक शोकपूर्ण और दर्दनाक घटना थी। शिव की प्रतिक्रिया। सती की मौत के बाद शिव अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी की मृत्यु की खबर सुनकर आकाश में तांडव नृत्य किया, जिससे सृष्टि में अराजकता फैल गई। उनका दुख और क्रोध इस हद तक बढ़ गया कि उन्होंने सती के शव को अपने साथ ले लिया और उसे आकाश में भ्रमण करने लगे। विष्णु का हस्तक्षेप। सती की मृत्यु और शिव के आक्रोश को देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। विष्णु ने सती के शव को 51 टुकड़ों में काट दिया, जो विभिन्न स्थानों पर गिर गए। ये स्थान भविष्य में शक्ति पीठों के रूप में
पूजनीय बने। सती का पुनर्जन्म। सती का पुनर्जन्म हिमालय पर्वत पर हिमालय राज की पुत्री के रूप में हुआ, जिनका नाम पार्वती था। पार्वती ने शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की और अंततः शिव ने उनकी भक्ति और समर्पण को स्वीकार कर लिया। शिव और पार्वती का पुनर्मिलन एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने सृष्टि में स्थिरता और सामंजस्य बहाल किया। उपवास और पूजा। भक्त श्रावण के दौरान सोमवार को उपवास रखते हैं, जिसे श्रावण सोमवार व्रत के रूप में जाना जाता है। ये उपवास भगवान शिव को समर्पित है और भक्त आमतौर पर मांसाहारी भोजन, शराब और कभी कभी अनाज खाने से परहेज करते हैं। वे शिव मंदिरों में जाते हैं, जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाते हैं और शिव को समर्पित मंत्र और भजन गाते हैं। कावंड यात्रा। कावंड यात्रा भक्तों द्वारा की जाने वाली तीर्थ यात्रा है। खास तौर पर उत्तरी भारत में भक्त अक्सर गंगा से जल लेकर शिव मंदिरों में इसे चढ़ाने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। यात्रा में जीवंत जुलूस, भक्ति गीत और आध्यात्मिक उत्साह होता है। सोमवार के व्रत के अलावा कई भक्त पूरे महीने विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। प्रसाद में फल, फूल और पवित्र राख यानी कि भस्म शामिल है। इस महीने में विशेष प्रार्थनाएं शिव अष्टाचार मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय का जाप और शिव पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों का पाठ भी किया जाता है। श्रावण महीने में कई महत्वपूर्ण त्यौहार आते हैं, जिनमें शामिल है श्रावण पूर्णिमा। श्रावण की पूर्णिमा का दिन, जिसे रक्षाबंधन के नाम से भी जाना जाता है, जब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है, जो सुरक्षा और प्रेम का प्रतीक है। नाग पंचमी। सांपों की पूजा करने के लिए समर्पित एक दिन, क्योंकि उन्हें पवित्र माना जाता है और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन। यह महीना आध्यात्मिक चिंतन और शुद्धि का समय है। भक्त ईश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करने के लिए ध्यान, प्रार्थना और आत्म अनुशासन में संलग्न होते हैं।